न्यू दिल्ली से एक बार फिर से बड़ी खबर सामने आ रही है कि माननीय दमन एवं दीव के सांसद उमेश पटेल जी ने एक बार फिर सदन में अपने प्रदेश का मुद्दा उठाया। जी हां, दमन और दीव में लगातार लोगों के घर और मकान तोड़े गए हैं। स्थानीय प्रशासन ने घर मकान तोड़कर गरीबों को रास्ते पे ला दिया है। लोगों के घर मकान तोड़ती तोड़ती प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए गए मकान भी तोड़े गए थे, जिस विषय को भारतीय सर्वोच्च पंचायत में उठाकर दीव दमन के सांसद उमेश पटेल जी ने सरकार को ध्यान दिलाए है, ताकि सरकार इस विषय को संज्ञान लेकर दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही करे और गरीबों को न्याय मिले। इस उद्देश्य के साथ दीव दमन के सांसद उमेश पटेल जी ने आज लोकसभा में अतारांकित प्रश्न के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों का ब्यौरा मांगा है और कहा कि स्थानीय प्रदेश प्रशासन द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा गरीबों को दिए गए मकानों को गिराकर क्षेत्र के अनेक गरीबों को बेघर किया गया है। सांसद महोदय जी ने कहा कि पहले ही हमारे क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत कम घर बनाए गए हैं। सरकारी घर मकान बनाने से ज़्यादा गरीब परिवारों को बेघर किया जा रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। सांसद महोदय ने उन गरीब परिवारों को घरों को तोड़ने का कारण भी सदन के माध्यम से पूछा है और घर मकान तोड़ने वाले पर क्या कार्यवाही होगी और कब होगी, ऐसे सवालों के साथ सांसद उमेश पटेल जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित उन गरीब परिवारों के मकानों को तोड़ने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्यवाही की जांच की मांग की है।